दशकों तक लटके रहने के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल पास हो ही गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से आया बिल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे। दो सांसदों ने इसका विरोध जताया था, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया। वोटिंग के दौरान राज्यसभा में 214 सांसद मौजूद थे और सभी ने बिल के पक्ष में वोट दिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में ये सराहनीय कदम बताया। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।